हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम श्रुति है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक 50% लोग कम बोलना पसंद करते हैं व इंट्रोवर्ट होते हैं। हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें ज़्यादा बोलना चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रोवर्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए और इसी के कारण कम बोलने वाले लोग खुद पर प्रेशर डालते हैं और ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और फिर यहीं पर होती है उनमें गलतियाँ और वह अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपना काम भी नहीं कर पाते। लेखक कार्ल जंग ने सबसे पहले दुनिया में इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रोवर्टेड जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। कार्ल जंग के मुताबिक ना ही कोई 100% इंट्रोवर्ट होता है और ना ही कोई 100% एक्स्ट्रोवर्ट होता है। उनका मानना है कि इंसान परिस्थितियों के मुताबिक कभी इंट्रोवर्ट तो कभी एक्स्ट्रोवर्ट की तरह व्यवहार करता है। जो इंसान ज़्यादातर सिचुएशन में इंट्रोवर्ट की तरह व्यवहार करता है तब उसे इंट्रोवर्ट कहा जा सकता है। अगर आप भी कम बोलते हो और आपको लगता है कि कम बोलना शायद आपकी कमजोरी है तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने का मतलब यह नहीं होता कि आप कम सोचते हो या फिर आप कम इंटेलिजेंट हो। कम बोलने का मतलब यह होता है कि आप समझदार हो और सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। दोस्तों, अपनी किताब क्विट में सुजन चैन ने कहा था कि इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं है, इंट्रोवर्ट होने के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। कम बोलने वाले लोग किसी भी काम को बहुत देर तक धैर्य के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा यह लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन भी इंट्रोवर्ट थे और सिंगर एआर रहमान की इंट्रोवर्ट ही हैं। आइंस्टीन ने तो यह भी कहा था कि मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है लेकिन मैं किसी भी प्रॉब्लम को देर तक सॉल्व कर सकता हूँ। तो आज हम जानते हैं कि वो कम बोलने वालों की खासियत क्या होती है। कम बोलने वाले लोग काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बात अच्छे से सुनते हैं और फिर उसके ही अनुसार उनको जवाब देते हैं। आज के समय में लोग दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते, कोई आम इंसान हो या बड़ा लीडर, सब अपने मन की बात कहना चाहते हैं, दूसरों की बात किसी को सुनना ही नहीं। तो अगर ऐसे माहौल में आप दूसरों की बातों पर ध्यान से सुनते हैं तो सामने वालों को भी लगता है कि आप एक समझदार इंसान हो और फिर वह सोचता है कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, कोई तो मिला जो मेरी बात सुन रहा है, नहीं तो सब तो बस अपने सुनाने में ही लगे हैं। कार्टे मोर्फी ने अपनी किताब यू आर नॉट लिसनिंग में बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं कि सुनने से कैसे लोगों को बड़े बड़े फ़ायदे हुए हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बात पेश करना आता है। इनमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं होती। कुछ भी बोलते रहने वालों को बार बार एक ही बात करने वाले लोगों को लोग हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। कम बोलने वाले लोग ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। कम बोलने वाले लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वह क्वालिटी होती है जो कि यह लोग सामने वाले की बात को अच्छे से सुनकर और समझकर उसके अनुसार जवाब दे सकें। अब्राहम लिंकन ने कहा था, चुप रहकर दूसरों के नज़रिए में बेवकूफ़ बना रहना ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ़ साबित करना। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप ही रहा जाए, बिना सोचे समझे बिना किसी पूरी जानकारी के बोलना आसान है, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप जितने इंटेलिजेंट हो उससे कम नज़र आते हो। बेहतर यही है कि बिना पूरी जानकारी के आप कुछ भी मत बोलो, बस सुनो और फिर जब पूरी बात सुनने के बाद आप बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी और आप गलतियाँ भी कम करोगे और आप जितने इंटेलिजेंट हो उतने नज़र आओगे। यह लोग काफ़ी सब्र वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पास धैर्य काफ़ी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि सफल ना होने पर हताश होने लगते हैं और बहुत जल्द हार मान जाते हैं, लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी हार कर निराश नहीं होते। उनके अंदर काफ़ी धैर्य होता है और इसलिए वह किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं काम को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वह कभी भी अपना समय खराब नहीं करते। यह लोग समय खराब करने वाली बहस में नहीं पड़ते। कभी भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कोई कम बोलने वाला इंसान किसी दूसरे से बहस कर रहा है, क्योंकि बहस तभी होती है जब सामने वाले इंसान से कोई फालतू बात बोले या ऐसा बोले जो सामने वाला इंसान को हर्ट कर दे। कम बोलने वाले लोगों की आदत होती है ना ही वह किसी से फालतू बात करते हैं और ना ही कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरा हर्ट हो। आप उन्हें फालतू की बहस में बहुत ही कम देखोगे।
कम बोलने वाले लोग कभी भी अकेले रहने से नहीं डरते। यह लोग ज़्यादातर समय खुद के साथ ही बिताते हैं, यानी कि यह लोग ज़्यादातर समय इस तरह बिताते हैं कि वह खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोगों को पता होता है कि उनकी आइडेंटिटी सबसे अलग है। इन लोगों का फोकस बहुत अच्छा होता है। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेस बिजनेसमैन और साइंटिस्ट हुए, उनमें से ज़्यादातर लोग, सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हैं। इंसान में क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों से ध्यान हटाकर खुद पर और अपनी क्षमताओं पर फोकस करता है। कम बोलने वाले लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से चीज़ों पर फोकस करके उस काम में अपना बेस्ट देना है। यह लोग काफ़ी समझदारी वाली बातें करते हैं। जब भी आप किसी कम बोलने वाले लोगों की बात सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वह काफ़ी सोचने और समझने के बाद ही किसी इंसान के सामने अपनी बात रख रहा है। एक इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है, सभी लोग उसके ज़्यादा बोलने से परेशान रहते हैं, इसलिए वह जब भी कोई काम की बात बोलता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो अगर आपके मन में भी यह बातें आती हो कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वाले लोग कमज़ोर, नासमझ या असामाजिक होते हैं, तो आप यह सब बातें अपने दिमाग से निकाल कर अलग कर दो, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोगों की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी खूबी होती है और अपनी क्षमता होती है। अगर आप खुद एक इंट्रोवर्ट इंसान हो तो आपको समाज से अलग महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट होना आपकी ताकत है और आपकी इस ताकत को आपको सक्सेस में बदलना है। इंट्रोवर्ट होना आपकी खासियत है, कमजोरी नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।